Praise be to the Lord's holy name. प्रभु की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। Once again, it's a great pleasure to greet you in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और अनमोल नाम से आपको स्वागत करना, शुभकामनाएं देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। We are very glad to present a series of Bible study on the caption, the lost. चैप्टर आखिरी अध्याय या अंतिम अध्याय इस शीर्षक के तले क्रमानुसार कुछ संदेशों को प्रस्तुत करने में हमें प्रफुल्लित हम होते हैं। दिस सीरीज विल हैव थ्री टॉपिक्स। इस क्रम में तीन विषय है। द लॉस्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड, अंतिम अध्याय संसार का। द लॉस्ट चैप्टर ऑफ इज़राइल, इज़राइल का अंतिम अध्याय। द लॉस्ट चैप्टर of the church, कलीसिया का अंतिम अध्याय। Generally in the world we see that people are divided in many a way into two major groups. बहुत बार संसार के लोगों को दो झुंडों में बांटा जाता है। Man, women, पुरुष स्त्री, rich poor, अमीर गरीब, literate illiterate, शिक्षित अशिक्षित, etc. etc. इत्यादि इत्यादि। But in the Bible, लेकिन बाइबल में, if you read 1 Corinthians chapter 10 verse 32, अगर हम पहला कुरिन्थियों 10 का 32 को पढ़ेंगे, in divine wisdom mankind is divided into three major groups. दिव्य बुद्धि के अनुसार मानव जाति को तीन झुंडों में बांटा गया है। And one group is called Jews or Israel. एक झुंड को यहूदी या इज़राइली कहते हैं। And Israel are the chosen generation of God. और ये इज़राइल परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। And God has got a plan, a program concerning Israel. और परमेश्वर के पास इज़राइल के बारे में एक खास योजना, एक मकसद है। There are end time prophecies concerning, very specific prophecies concerning Israel. अंतिम दिनों के बारे में, जो इज़राइल के बारे में कई एक ऐसे भविष्यवाणियां हैं। एंड द सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड द जेंटाइल्स। दूसरा वर्ग के लोगों को अन्य जाति कहते हैं। व्हाट डज द बाइबल मीन बाय द वर्ड जेंटाइल्स? और जब बाइबल अन्य जाति कहती है उसका मतलब क्या है? ऑल नॉन इज़राइलीज आर कॉल्ड जेंटाइल्स। और सारे गैर इज़राइली ये सब अन्य जाति हैं। इफ समबडी इज नॉट अ जू ही इज कॉल्ड अ जेंटाइल। अगर कोई यहूदी नहीं है वो एक गैर यहूदी है। सो बाय बाइबलिकली स्पीकिंग अ जेंटाइल मींस नॉन इज़राइली। और इसीलिए जब हम कहते हैं अन्य जाति, ये एक गैर यहूदी है। सो दे आर आल्सो क्रिएशन ऑफ गॉड। वो भी जरूर परमेश्वर की सृष्टि हैं। एंड गॉड हैज गॉट अ प्लान एंड प्रोग्राम फॉर देम। उनके लिए भी परमेश्वर के पास एक योजना है, एक कार्यक्रम है। देयर आर एंड टाइम प्रोफेसीज कंसर्निंग द जेंटाइल्स। और उस अन्य जाति के बारे में भी अंतिम भविष्यवाणियां हैं। एंड देयर इज अ थर्ड मेजर पीपल ग्रुप।
और तीसरा एक बड़ा झुंड है मानव का. They are not Jews. वो यहूदी नहीं है. They are not non-Jews. वो गैर यहूदी भी नहीं है. They are neither Israelis. वो ना तो इजरायली है. Nor non-Israelis. या गैर इजरायली भी नहीं है. Then who are they? तब तो ये लोग कौन हैं? They are neither Jews nor Gentiles. ये लोग यहूदी भी नहीं हैं, अन्य जाति भी नहीं हैं. They are drawn from the Jews, drawn from the Gentiles. इनको यहूदियों में से लिया जाता है, अन्य जातियों में से भी लिया जाता है. They are made one. और इन दोनों को एक किया जाता है. And that group is called the Church of God. और इस झुंड को परमेश्वर का कलीसिया कहते हैं. And that group is called Christians. और इस झुंड का नाम दिया गया है मसीही. There are specific prophecies, plan, program of the Church of God. और परमेश्वर के कलीसिया के लिए खास भविष्यवाणियां, योजनाएं और मकसद हैं. So when we study the end time prophecies, और इसीलिए जब हम अंतिम दिनों के भविष्यवाणियों को सीखते हैं, we have to study the prophecies concerning the Jews, the Gentiles. And the Church of God. और इसीलिए जब भविष्यवाणियों को हम सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यहूदियों के बारे में, फिर कलीसिया के बारे में और अन्य जातियों के बारे में हमें सीखना है. We had three segments, teaching segments about the last chapter of the world. और इसीलिए संसार के अंतिम अध्याय के लिए तीन प्रकार का भाग है जिसको हम लोगों ने देखा. But in this chapter, लेकिन इस अध्याय में we are going to study about the last chapter of Israel. हम इज़राइल के अंतिम अध्याय के बारे में देखने जा रहे हैं. As it is mentioned in the other topic, और अगला जो हमारा विषय था उसमें जैसे बताया गया, one third of our Bible is prophecies. हमारे बाइबल का एक मुख्य हिस्सा वो है भविष्यवाणियां. It speaks about the things that shall come to pass. और जो बातें होने वाली है उसके बारे में ये बतलाती है. Kingdoms came, kingdoms fell. साम्राज्य आए, साम्राज्य गिरे. Kings were born, kings died. राजा लोग जन्म लिए, राजा लोग मर गए. Everything happened as it was prophesied. और सारी बातें भविष्यवाणियों के अनुसार पूरा हुआ. The yesterday's prophecies are today's history. और कल का जो भविष्यवाणियां हैं वो आज का खबर बन जाता है. What was prophecy in the days of Moses? और मूसे के दिनों में ये भविष्यवाणियां क्या था? Became history in the days of Isaiah. और वो भविष्यवाणियां जो मूसा का दिन में था, वो became history in the days of Daniel. यशाया के दिनों में, दानियल के दिनों it's में वो history, बन गया. It's becoming history in our days. और हमारे दिनों में भी वो भविष्यवाणियां इतिहास बन रही है. The coming of Cyrus was a prophecy in the days of Isaiah. यशाया के दिनों में वो भविष्यवाणी था कुसरू राजा के बारे में. एंड इट बिकेम ए हिस्ट्री In the days of Daniel. और दानियल के दिनों में वही भविष्यवाणी इतिहास बन गई. The Nebuchadnezzar's kingdom was a prophecy in the days of Jeremiah, in the days of Isaiah. और यशाया और यर्मिया के दिनों में नबुकदनेज़र के बारे में भविष्यवाणियां थी. That became a history in the days of Daniel. It's become a history in our days. दानियल के दिनों में वो इतिहास बन गई थी, हमारे दिनों में भी वो इतिहास बन रही है. What was a prophecy in the days of Daniel? और दानियल के दिनों में किस प्रकार भविष्यवाणियां थी? It became a prophecy in the days of Alexander. और सिकंदर के दिनों में वो इतिहास बन गई थी. It became a history in the days of Pompey. और पॉम्पी के दिनों में भी ये इतिहास बन गई. It's becoming a history in our days. हमारे दिनों में भी ये इतिहास बन रही है. It's really wonderful to think about it. और इन बातों को हमारे लिए विचारना बहुत ही अद्भुत है. So in this study we are going to study about the last chapter of Israel, God's chosen generation. इसलिए हम इस भाग में देखने जा रहे हैं जो अंतिम अध्याय इज़राइल का. When we think about the last chapter of Israel, जब हम इज़राइल का अंतिम अध्याय के बारे में सोचते हैं, we must know when the history of Israel began. और हमें इस बात को देखना है कि इज़राइल का इतिहास कब शुरू हुआ. Maybe 4000 years ago. और करीबन 4000 साल पहले. 2000 BC. कहते हैं BC 2000. Maybe some Bible scholars are more specific. और भी कुछ बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं खास तारीख.
About 1921 BC. और वे कहते हैं 1921 BC. God called a man by name Abram. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम अब्राम था. He was in the land of Babylon. और वो बाबुल के उस देश का था. By a city called Ur. और ऊर नामक एक शहर से उसको बुलाया. And in those days. और उन दिनों में. That was a religion called Mystery of Babylon. और बाबुल की भेद करके एक धर्म था उन दिनों में. That is the mother of all false religions. और सारे झूठे धर्म के लिए वही धर्म माँ या माता के रूप में था. Abraham was born in that religion. और उस धर्म में ही अब्राम का जन्म हुआ. And he was worshipping idols with his forefathers. और अपने पिताओं के साथ पुरखाओं के साथ वो उस मूर्ति की आराधना करता था. With a divine purpose. और एक दिव्य योजना के God called Abraham out of that culture, out of that religion, out of that civilization. परमेश्वर ने अब्राम को उस प्रकार का संस्कृति, उस प्रकार का धर्म, उस प्रकार का सभ्यता से बाहर बुलाया. Abraham was coming out of that religion. अब्राम उस धर्म को मानने वाला था. He was coming out of that people. और उस प्रकार के धर्म के लोगों के बीच में से वो आया था. In a supernatural way, God was working in the life of this man called Abraham. एक अलौकिक तरीके से परमेश्वर इस अब्राम नामक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा था. Today, three major races call Abraham their father. आज तीन खास गोत्र के लोग अब्राम को अपना पुरखा या मूल पिता मानते हैं. Jews or Israelis call Abraham their father. यहूदी या इजरायली वे अब्राम को अपना मूल पिता मानते हैं. And Muslims call Abraham their father. और मुस्लिम जो है मुसलमान लोग वे भी अब्राम को अपना मूल पिता मानते हैं. And Christians call Abraham their father of faith. मसीही भी अब्राम को अपना विश्वास का पिता मानते हैं. When God called Abraham, God told Abraham, I'll make your name great. और जब परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया, उसने उससे कहा था, तुम्हारा नाम मैं महान बनाऊंगा. Today that has become history. और आज वो इतिहास बन गई. God has made the name of Abraham great. परमेश्वर ने अब्राम का नाम को एकदम महान कर दिया है. So Abraham, instead of worshipping the gods of his forefathers, इसलिए उन दिनों में अब्राम अपने पुरखाओं का देवी देवताओं को पूजता था. Abraham, God revealed to Abraham as Yahweh. और परमेश्वर ने खुद को उस पर प्रकट किया कि मैं याहवे हूँ. Abraham started worshipping that invisible God in faith. और इस अनदेखी परमेश्वर को अब्राम आराधना करने लगे विश्वास के द्वारा. And his son of promise was Isaac. और उनका जो बेटा था जिसका के बारे में वायदा किया था परमेश्वर ने. And his son was Jacob. और उनका बेटा का नाम था याकूब. There was a religious struggle from the beginning. और शुरू से ही धर्म संबंधी कुछ रगड़ झगड़ चलती. Abraham's the other son Ishmael. और अब्राम का दूसरा बेटा का नाम इश्माएल है. And the other sons born to Abraham later. उसके बाद भी अब्राम के लिए जो पुत्र हुए. They were unable to worship God as Abraham worshipped. वे जिस प्रकार से अब्राम परमेश्वर की आराधना करते थे वैसे परमेश्वर की आराधना नहीं. They also inclined to worship idols. वे भी परमेश्वर की आराधना किए बिना मूर्तियों की आराधना करने लगे. They started worshiping gods of the land of Cana. और कनान देश के देवी देवताओं को वो लोग पूजने लगे. Isaac was worshiping God of Abraham. इसहाक परमेश्वर जो अब्राम का परमेश्वर था उसकी आराधना करने वाला था. So the struggle between Isaac and Ishmael was a struggle between true worship and false worship. और इसीलिए वहां इसहाक और इश्माएल के बीच का जो संघर्ष था वो सच्चा आराधना और झूठा आराधना के बीच का संघर्ष था. Isaac had two sons. इसहाक के पास दो पुत्र थे. One was
Jacob, one was Esau. एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव. Same worship struggle continued. वही आराधना का जो संघर्ष है वो लगातार चली आई. Jacob worship God of Abraham, God of Isaac. याकूब तो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर की आराधना की. Esau preferred to worship gods of Canaan. लेकिन वहां एसाव, वहां कनान में जो देवी देवताएं पाई जाती थी उसका पूजन करता था. जनरली वी कॉल दिस अब्राहम, आइसक एंड जेकब द पैट्रियार्क्स ऑफ इज़राइल. और इन तीनों को, यानी कि अब्राहम, इसहाक और याकूब को मूल पिता या गोत्र पिता करके कहा जाता है. एंड इज़राइल इज गॉड गिवन नेम टू जेकब. इज़राइल जो है वो याकूब के लिए परमेश्वर ने उस नाम को दिया था. इज़राइल हैड जेकब हैड 12 सन्स. याकूब के पास 12 पुत्र थे. एंड वन ऑफ द सन जोसेफ वाज टेकन इनटू द लैंड ऑफ इजिप्ट एज अ स्लेव. उसमें से एक बेटा जिसका नाम यूसुफ था उसको मिस्र देश में ले जाया गया. इट वॉज गॉड्स प्लान, गॉड्स प्रोग्राम, इट वॉज प्रोफेसाइड. परमेश्वर का वो योजना था, परमेश्वर का कार्यक्रम था और वो इतिहास बन गई थी. इन द डेज ऑफ जोसेफ, यूसुफ के दिनों में, जेकब, याकूब, हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे, हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके पोता, देयर फैमिलीज और उनके परिवार, अबाउट 70 ऑफ देम moved to the land of Egypt. करीबन 70 लोग मिस्र देश में चले आए. After the days of Joseph, यूसुफ के दिनों के बाद, they became slaves in the land of Egypt. उस मिस्र देश में वे गुलाम बन गए. At least for 200 years, they were suffering under the whip of the taskmasters of Egypt. करीबन 200 साल वे उन लोगों के द्वारा कोड़े God, से मारे जाते थे. God sent them a deliverer. परमेश्वर ने उनके लिए एक छुड़ाने वाला भेजा. His name was Moses. उसका नाम था मूसा. In the days of Moses, और मूसा के दिनों में, by the mighty hand of God, परमेश्वर के उस बलवंत भुजा के द्वारा, by his outstretched arm, और उसका खुला हुआ भुजा के द्वारा, it had no parallel in the history, neither before nor after, और इतिहास में इसके लिए कोई तुलनात्मक बात कुछ नहीं है कि उससे पहले या उसके बाद, God delivered his people as it was predicted from the land of Egypt in a miraculous supernatural वे. परमेश्वर ने जैसा वादा किया था, जैसा भविष्यवाणी की गई थी, उसी प्रकार से अपने लोगों को अद्भुत और अलौकिक तरीके से बाहर निकाल लाया. इट वाज डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन दैट ब्रॉट द पीपल आउट ऑफ द लैंड ऑफ स्लेवरी. ये परमेश्वर की ओर से खास एक ऐसा बर्ताव थी जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ा के ले आया. Moses was leading the people in the wilderness. मूसा सारे लोगों को उस रेगिस्तान में उनका अगुवाई कर रहा था. After Moses died, मूसा के मृत्यु के बाद, in the days of Joshua, यहोशू के दिनों में, under his leadership, उसके नेतृत्व में, the people of Israel was brought to the promised land. इज़राइल के लोगों को उस वादा किया हुआ उस देश में ले आए. A land that flows with milk and honey, a land that is good and vast. जिस देश में दूध और मधु बहती है और जो देश बहुत ही भला था. It was God's promise, God's program, God's prophecy. ये परमेश्वर का वायदा था, परमेश्वर का कार्यक्रम था, परमेश्वर का ही भविष्यवाणी था. And they recognized God as their king. परमेश्वर को वो लोग अपना राजा मानते थे. And in a worldly sense, they had only judges to rule over them. उससे पहले उनके पास सिर्फ न्यायी लोग थे जो उनके ऊपर अगुवाई करते थे. As the days were passing by, जैसे जैसे दिन बीतते गए, the people of Israel wanted to have a king for them as the other nations had. इज़राइल के लोगों के मन में ये चाहत हुई, जैसे अन्य देशों के पास राजा है, हमें भी राजा चाहिए. So
Saul became the first king of the United Kingdom of Israel. इसीलिए उस एकत्रित साम्राज्य इज़राइल के लिए पहला राजा शाऊल बना. Then David. उसके बाद दाऊद. Then Solomon. उसके बाद सुलेमान. That kingdom could not continue for a long. और वो साम्राज्य लंबे समय तक चल नहीं पाया. By this time, 1,000 years passed by. और इसी में हजार साल पार हो गए. In the year 1937 BC. और 1967 BC में. 1937 BC में. That kingdom was divided into two parts. That was in the days of Solomon's son Rehoboam. माफ कीजिए 1937 में वहाँ पे उस बीसी में वो साम्राज्य दो टुकड़ों में हो गया था रहोबम के दिनों में. 10 tribes of Israel, they call themselves the Northern Kingdom. 10 गोत्र के लोग जो इज़राइल के थे उनका साम्राज्य को उत्तरी साम्राज्य कहा गया. And 2 tribes of Israel, Judah and Benjamin, they were called the Southern Kingdom. 2 गोत्र के लोग अपने आप को दक्षिण का साम्राज्य कहने लगे. Again the struggle was their worship. फिर से वही संघर्ष था आराधना का जो तरीका. The southern kingdom, or that was called the kingdom of Judah, land of Judah, they wanted to worship God in Jerusalem. वो जो दक्षिण का साम्राज्य थे यानी कि यहूदा का जो प्रदेश था वो उस परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में करना चाहते थे. That was the law given to them. और वैसे ही उनके लिए व्यवस्था दी गई थी. बट द अदर 10 tribes, लेकिन वो अन्य 10 गोत्र के नॉर्दर्न किंगडम, वो जो उत्तरी साम्राज्य के थे, दैट वाज जनरली कॉल्ड द किंगडम ऑफ इज़राइल, वो उनको इज़राइल करके नाम दिया गया. दे वांटेड टू वर्शिप गॉड इन बेथेल. वे बेथेल में परमेश्वर की आराधना दे मेड एन आइडल फॉर देयर वर्शिप. वे अपने आराधना के लिए एक मूर्ति को बना लिए. फ्रॉम द डेज ऑफ अब्राहम, अब्राहम के दिनों से, आइसक, इसहाक के दिनों से, जेकब, याकूब के दिनों से, एंड इन एवरी पीरियड, और एक एक वहां काल में, द स्ट्रगल वॉज बिटवीन ट्रू वर्शिप एंड फॉल्स वर्शिप. इस संघर्ष को हम देख पाते हैं सच्ची आराधना और झूठी आराधना. एंड द नॉर्दर्न किंगडम ऑफ द लैंड ऑफ इज़राइल, और उत्तरी जो साम्राज्य यानी कि इज़राइल का जो देश, वाज डिफाइल्ड बाय फॉल्स रिलीजियस वर्शिप, झूठी धर्म के तरीका से वो भ्रष्ट किया गया. डिफाइल्ड बाय आइडल वर्शिप, वे मूर्ति पूजा में लवलीन हो गए. एंड दे वर टेकन इनटू द असीरियन कैप्टिविटी, और उनको अशूर में बंधुआई के रूप में उनको बंदी बना करके ले गए. एंड द लैंड ऑफ जूडा, यहूदा के प्रदेश में, एंड इट डिडंट प्रूव दैट इट वाज बेटर देन इज़राइल, और इज़राइल से वे अच्छे हैं या बेहतर हैं करके उसको प्रमाणित नहीं किया. स्लोली आइडल वर्शिप क्रेप्ट इन, धीरे धीरे से उनके बीच भी मूर्ति पूजा आने लगा. दे डिफाइल देमसेल्व्स विद फॉल्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वे भी ऐसे झूठी धर्म के अभ्यास से अपने आप को बिगाड़ लिए. इन द डेज ऑफ जेरेमिया, एर्मिया के दिनों में, इन द डेज ऑफ नबूकदनेज़र किंग ऑफ बेबीलोन, नबूकदनेज़र के दिनों में जो बाबुल के राजा थे, इन द डेज ऑफ डैनियल, शाद्रक, मेशक एंड अबेदनेगो, डैनियल, शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो के दिनों में, एंड दिस लैंड ऑफ जूडा वाज टेकन इनटू बेबीलोनियन कैप्टिविटी. इस यहूदा का जो प्रदेश के लोगों को बाबुल में बंदी बना करके उनको ले जाया गया. वी हैव डेल्ट this topic more in detail in the first topic, the last chapter of the world. और संसार के जो अंतिम अध्याय है उस विषय में इन सारी बातों के बारे में विस्तार रूप से हम लोगों ने देखा. And the first batch of captives that was taken to Babylon maybe around 606 BC. और जो पहले झुंड के लोगों को बंधुआई में
जब ले गए तो वो 606 BC का समय हो सकता है। Temple was destroyed। वहाँ पे वो मंदिर नाश किया गया। The temple was destroyed। वो मंदिर को वो लोग नाश कर दिए। As it was prophesied by Jeremiah। जैसे यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई। These Jews were in the Babylonian captivity for 70 years। यहूदी लोग उस बाबुल के बंधुआई में 70 साल तक थे। As it was prophesied by Isaiah, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा में द्वारा कहा गया, the king of Persia, Cyrus, came against Babylon. फारसी का जो राजा था, जिसका नाम कुसरू था, वो बाबुल में आया। Cyrus victory over Babylon was predicted, prophesied in vivid detail in Isaiah. कुसरू का ये जो विजय बाबुल के ऊपर, उसके बारे में विस्तारित रूप से यशाया में कहा गया है भविष्यवाणी। As it was prophesied, spoken by the mouth of Jeremiah, जैसा कि यिर्मयाह के मुंह से जो भविष्यवाणी निकली थी, exactly when the 70 years of their exile was completed, और जैसे कि वो 70 साल बंधुआई का साल उनका पूरा हो गया, in the days of Cyrus, कुसरू के दिनों में ही Israel gets a type of freedom to go back to their land, or Jews get a type of freedom to go back to their land and build a temple. यहूदी लोगों को या इस्राएली लोगों को वो छुटकारा या रिहाई का समय मिलती है और वो अपना देश जाकर के मंदिर बनाने लगते हैं। It was in the days of Zerubbabel. और जरुबाबल के दिनों में ये मंदिर का स्थापन। Daniel was alive then. उस समय दानियल भी and Ezekiel was there. रहे यहजकेल भी वहां थे। So in the days of Zerubbabel, इसलिए जरुबाबल के दिनों में the people of Jew, the Jews, they are coming back to Jerusalem to build the temple. यहूदी लोग वापस फिर अपने देश आ रहे हैं वहां पे मंदिर बनाने के लिए। In the days of Nehemiah, और नहमिया के दिनों में they were able to build walls around Jerusalem. और पूरा यरूशलेम के चारों तरफ वो लोग उस शहरपनाह को बना पाए। Though they enjoyed this religious freedom, जरूर वो लोग इस धार्मिक जो आजादी है उसको मनाएं। As it was prophesied, लेकिन जैसा ही भविष्यवाणी किया गया, they were under Persians, वे उन फारसी के अधीन में थे, then they were under Greeks, उसके बाद यूनानी अधीन में थे, and they were under Romans, उसके बाद भी रोमियों के प्रभुता के तले हुए थे। About the successive kingdoms, और इन साम्राज्यों के बारे में we have dealt in more detail in the last topic. और पिछले जो हमारा विषय था उन साम्राज्यों के बारे में भी हम लोगों ने देखा उसमें। The last chapter of the world. संसार के अंतिम अध्याय, उसमें हम लोगों ने इन बातों के बारे में देखा है। And Augustus Caesar was the first declared king of Roman Empire. रोम साम्राज्य के लिए अगस्तस जो कैसर था वही पहला राजा बना। And he was succeeded by Tiberius Caesar. उनके बाद तिबेरियस कैसर वे शासन करने लगे। In the days of Tiberius Caesar, और तिबेरियस कैसर के दिनों में AD 30 में इन द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल, इज़राइल के इतिहास में समथिंग tremendous, something awesome took place. कुछ ऐसा वैभवनीय भयाव एक घटना हुई थी। That was a turning point in the history of Israel, in the history of the world. और वही इज़राइल के दिनों में एक बिल्कुल चकित करने वाली बात थी और वो हुई थी। When I could say that was the turning point in the history of Israel, in the history of the world, और इज़राइल और संसार के लिए एक मुड़ने वाली एक घटना करके जब मैं कहता हूँ, that is the starting point of the church. और वही था कलीसिया का आरंभ वाली बिंदु। In AD 30, AD 30 में, a man from Nazareth, एक व्यक्ति नासरेत से, rabbi. एक रब्बी थे। A man who had a few disciples, और जिनके पास कुछ ऐसे चेले थे। A miracle worker, एक अद्भुत काम करने वाले। Preaching the good news to the people,
भले शुभ संदेश को सुनाने वाले लोग ड्रॉइंग ए बिग क्राउड अप बिहाइंड हिम उनके पीछे एक बड़ा भीड़ चली आई ही वाज कॉलिंग आउट पीपल टू रिपेंट एंड सेइंग द किंगडम ऑफ गॉड वाज नाई और वे सबको बुला रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है दिस मैन अकॉर्डिंग टू देम दिस मैन वाज क्रूसिफाइड यह व्यक्ति उनके अनुसार वो क्रूस पे चढ़ाया गया They wanted to steal his voice. वे उसके आवाज को चुराना चाहते थे They wanted to put him to silence. वे उनको शांत कराना चाहते थे They wanted to annihilate his generation. और उनके पीढ़ी को वो खत्म करना चाहते थे They thought that cross would be the end of that man. वे सोचे कि ये क्रूस उस व्यक्ति का समाप्ति हो जाएगी They wanted to put an end to his revolutions lekin wo log cha rahe the in sare jo kranti hai uske liye samapti layenge in the history of israel lekin israel ke itihas mein in the history of the world sansar ke itihas mein in the religion of jews yahudiyon ke dharm mein in the reign of rome रोम के उस शासन में समथिंग ट्रेमेंडस टुक प्लेस कुछ ऐसा अद्भुत कार्य हुआ whom these Jews given into death जब यहूदी लोग उसके लिए जगह दिए whom the Roman put to death और जिसको वहां रोमी लोग मरवाए God raised him from the dead परमेश्वर ने उनको उस मौत से छुड़ाया the man who was dead and buried और वो व्यक्ति जो गाड़ा गया By the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा He rose from the dead, वो उस मृत्यु से जी उठे And God brought him out of the sepulchre, परमेश्वर ने उस कब्र में से उनको निकाल बाहर लाया It is God's doing in history, ये परमेश्वर का कार्य है इतिहास में A tremendous historic event, एक ऐसा ऐतिहासिक घटना And his disciples, even before his death, they believed, they declared that this Jesus was God. और इस यीशु मसीह को मरने से पहले, जी उठने से पहले भी ये लोग प्रभु परमेश्वर का By his resurrection, it was proven that he is the Lord, he is God. और इतना ही प्रमाण है कि वही प्रभु है, वही परमेश्वर है. Historically, इतिहासिक साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप में लॉजिकली और शास्त्रिक रूप में लीगली और कानूनी तौर से इन एवरी यार्डस्टिक सारी बातों में इट इज प्रूव्ड दैट दिस मैन रोज फ्रॉम द डेड ये प्रमाणित किया गया है कि ये व्यक्ति मृत्यु से जी उठा सो ज्यूज एंड रोमन्स दे वांटेड अगेन पुट दिस पीपल टू साइलेंस इसीलिए फिर से ये यहूदी और रोमी उन लोगों को शांत कराना चाहते थे बट मेनी क्रिश्चियंस मेनी ज्यूज बहुत सारे यहूदी मेनी रोमन्स बहुत सारे रोमी के लोग रोम के लोग पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जेंटाइल्स और जब वहां पे अन्य जाति भी दे ऑल आर रिसीविंग दिस जीसस एज देयर गॉड देयर सेवियर ये सब कोई मान रहे हैं कि यीशु मसीह उनका परमेश्वर है उनका प्रभु है विद इन 30 years 30 सालों के अंतर्गत This church became a worldwide movement. और ये जो परिवर्तन है एक बहुत बड़ा आंदोलन विश्व भर में बन गई थी In the next topic, the last chapter of the church, विषय में यानी कि उस कलीसिया के अंतिम अध्याय में We'll study about this in more detail. इन बातों के बारे में और विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे So within 40 years, और इसीलिए 40 सालों में then that was also as it was prophesied, वो भी भविष्यवाणियों के अनुसार हुई थी There was a great Jewish revolt against the Roman Empire. और रोम सरकार के विरोध में एक बड़ा बलवा यहूदी लोगों के द्वारा हुआ It started in the year 66 AD और 66 AD में ये बलवा शुरू हुआ इट वाज इन द डेज ऑफ किंग वेस्पासियन और वेस्पासियन नामक वो शासक जो थे फाइनली इन द ईयर 70 AD और 70
एडी उस साल में as it was prophesied by Jesus Christ जैसे प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी किए थे under the leadership of Titus the son of Vespasian और वेस्पासियन का बेटा जो तीतुस है उसके नेतृत्व में Jerusalem was destroyed यरूशलेम को नाश किया गया within one generation since Jesus Christ was crucified passed by और जैसे यीशु मसीह को मरवाए उस पीढ़ी बाद thousands and thousands of Jews were killed हजारों हजार यहूदी का नाश हुआ the streets on which were the drops of blood of Jesus fell और जैसे वहां प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा था बूंद बूंद जो गिर रही थी Rivers of blood of Jews were flowing. और उसी जगह में वहाँ यहूदियों का खून का धारा बह रही थी. But the people of Titus, the temple was destroyed. तीतुस के लोगों के द्वारा वहाँ वो यरूशलेम मंदिर का विनाश हुआ. That was also as it was prophesied. वो भी भविष्यवाणी के अनुसार ही. No stone was kept on the other. एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर ना रहा ये भविष्यवाणी के अनुसार पूरा हुआ. And the people of and all the Jews. और सारे यहूदी लोग. They were scattered all over the world. सारे संसार भर में ये तित्तर बित्तर हो गए. In the days of Assyrian captivity. 10 tribes were taken into Assyria. अशूर के उस बंदुआई में वहाँ पे जो गोत्र ले गए जाया गए थे. But in the days of Babylonian captivity, 2 tribes were taken to Babylon. लेकिन बाबुल के बंदुआई में 2 गोत्र के लोगों को बाबुल ले जाया गया. But in this diaspora, in this scattering. और इस प्रकार के तितर बितर होने में they were sent all over the world. और उनको विश्व भर में वहाँ पे तितर बितर किया the गया land of Israel was erased from the world map. और इज़राइल का जो नक्शा है वो विश्व का जो नक्शा है उसमें से हटाया गया Everywhere they were strewn. सब जगहों में उनके लिए उपद्रव था They were going through a lot of persecution. बहुत प्रकार का सताहट में ये लोग गुजर रहे थे They were tortured and driven away from one place to the other. एक जगह से दूसरे जगह में वो लोग सताए गए और भगाए गए In the 11th century, और 11वां ईस्वी में और 11 टू 13 सेंचुरी या 11 से 13वां ईस्वी में और 1095 टू 1291 या हम कह सकते हैं 1095 से 1291 तक क्रिश्चियन क्रूसेडर्स और मसीही जो युद्ध करने वाले दे एनिहिलेटेड दिस पीपल इन लोगों को बिल्कुल एक बड़े पैमाने में घात कर दिए दे बिलीव ओनली दीस पीपल किल्ड देयर जीसस और वो लोग कह रहे थे कि उनका यीशु को यही लोग मारे मरवाए स्पेशली इन दिस रोमन एम्पायर खास तौर से उस रोम के साम्राज्य में बाय द टाइम क्रिश्चियनिटी हैज बिकम द लीगल आई मीन स्टेट रिलीजन अब तक ये मसीहियत जो है वो एक राज्य धर्म बन गई थी सो दे पर्सिक्यूटेड दिस Jews और इसीलिए ये मसीही लोग मिल करके उन यहूदियों को इतना ज्यादा सताया बाय द टाइम अगला एक समय द लैंड ऑफ इजराइल और पैलेस्टाइन हैड कम इनटू द हैंड ऑफ टर्क्स और फिलिस्तीन जो देश है वो तुर्क के हाथों में आया ऑटोमन टर्क्स they were in control of that land land of palestine aur turk ke log jo hai ve us palestine desh ko apne kabza mein le liye at the end of the 15th century 15वां ईस्वी के अंत में in the year 1492 aur 1492 mein ottoman turks they gave an invitation to the suffering jews why should not you Come back to this land. और ऑटोमन तुर्क के लोग जो हैं, वे यहूदियों को निमंत्रण दिए क्यों नहीं आप वापस आते अपने जगहों में So people from different countries, Jews from different countries, they started moving towards Palestine. इसीलिए विभिन्न जगहों से यहूदी लोग वापस फिर फिलिस्तीन में आने लगे And they were to be a refuge in their own land. वे अपने ही देश में
एक ऐसा अन्य जाति के रूप में रिफ्यूजी के रूप में थे। 1861 और इसीलिए 1861 में दे फॉर्मड अ सोसाइटी कॉल्ड ज़ायन सोसाइटी। इसीलिए वो लोग एक सोसाइटी बनाए जो सियोन का एक सोसाइटी है। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ अ मैन बाय नेम थियोडोर हर्ज़ल और इसीलिए थियोडोर नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में ऑल ओवर द वर्ल्ड द ज्यूज स्टार्टेड क्लेम या स्टार्टेड प्रेइंग फॉर अ होमलैंड। विश्व भर में ये यहूदी लोग प्रार्थना करने लगे अपने एक जमीन के लिए, देश के लिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी और 20वां ईस्वी के शुरुआत में 2 नवंबर 1917 और 2 नवंबर 1970 में इन ब्रिटिश पार्लियामेंट देयर वाज अ डिक्लेरेशन और ब्रिटिश के जो उस विधानसभा में एक ऐसा घोषणा हुई डिक्लेरेशन फॉर द होमलैंड फॉर इज़राइल और इज़राइल के लिए एक ऐसा जन्मभूमि या अपना ही भूमि दैट वाज कॉल्ड बाल्फर डिक्लेरेशन और उसको एक ऐसा बाल्फर डिक्लेरेशन करके कहते हैं एंड 29 नवंबर 1947 और 29 नवंबर 1947 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू वाज ओवर और वो दूसरा विश्व महायुद्ध जो पूरा हुआ उसके बाद देयर वाज एन अप्रूवल इन द यूनाइटेड नेशंस To give a homeland for the Jews. United Nations में ये मान्यता वहाँ पे प्राप्त किया गया कि यहूदियों के लिए एक अपना जमीन देश दिया जा सकता है। Some countries were for that, some countries were against that. कुछ-कुछ देश इसके लिए सहमत थे, कुछ-कुछ देश उसके लिए विपक्ष में थे। Something wonderful was taking place. और कुछ तो अद्भुत हो रही थी। As it was prophesied. जैसे ही भविष्यवाणी हुई थी। In the history of Israel, the most important date. इज़राइल के इतिहास में एक खास दिन। 14 मई 1948 का जन्म हुआ इज़राइल। एंड देयर इज अ प्रोफेसी इन द बाइबल एक ऐसा भविष्यवाणी है बाइबल में कैन अ वुमन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन वन डे क्या एक स्त्री बच्चा को एक ही दिन में जन्मा सकती है बट ज़ायन विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन वन डे लेकिन ये ज़ायन जो है वो एक ही दिन में अपना बच्चा जन्म देगा एज इट वाज प्रोफेसाइड जैसा ही वो भविष्यवाणी हुआ इन वन डेज टाइम एक ही दिन में दिस नेशन वाज बोर्न ये देश उस देश का जन्म हुआ दैट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ मेनी प्रोफेसीज इन द बाइबल और बहुत सारे भविष्यवाणियों का यही पूर्ण था। We love to draw your attention to one important prophecy. एक खास भविष्यवाणी पर आपका आकर्षण करना चाहता हूं आपका ध्यान। You can go to Hosea chapter 1 verse 11. आप होशे उसका पहला अध्याय और 11वां पद में आ सकते हैं। It's very easy to remember 1:1:1. आप इस बात को याद रख सकते हैं 1:1:1. It says, "Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together and appoint themselves to one king and they shall come out of the land for great shall be the day of Jezreel aur main aapke liye pad de raha hu pehla adhyay ka 11va pad main aapke liye pad de raha hu tab yahudi aur israeli dono ikatte ho apna ek pradhan thehra kar desh se chale aayenge क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा इन 1937 BC में इज़राइल वाज डिवाइडेड इनटू टू किंगडम दैट वाज इन द डेज ऑफ द सन ऑफ सॉलोमन इज़राइल को दो ऐसा साम्राज्यों के रूप में बांटा गया ये सुलेमान के पुत्र के समय में हुआ ऑलवेज देयर वाज अ वॉर hatred between them most of the days hamesha unke beech mein ladai sangharsh hota raha in the days of jesus we didn't hear much about this lost 10 tribes prabhu yeshu masih ke dino mein in 12 gotron ke bare mein zyada hame sunne ko nahi mila but those who were left behind were called samaritans lekin
उनमें से कुछ लोग बाकी रह गए और उनको सामरी करके कहलाया जाता था. Because Samaria was their capital from the days of King Ahab, king of Israel. क्योंकि सामरी लोगों को उन दिनों में यानी कि राजा आहाब के दिनों में से हम देख पाते. But these Samaritans were untouchable to Israelites और to the Jews. और इन सामरी लोगों को यहूदी लोग छुआछूत उनके साथ मानते थे. They were untouchable to the Jews और वो यहूदियों के लिए अछूत थे. After the days of Jesus, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दिनों के बाद the whole land was destroyed, पूरा देश नाश किया गया. The temple was burnt, वो मंदिर जलाया गया. We don't hear anything about these lost 10 tribes. और इसीलिए इन 10 गोत्रों के बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिला. Only that land was called, I mean the people are called Jews. सिर्फ यहूदी करके वो लोग उन लोगों को बुलाया जाता था. So earlier they were to declare that as the land of Judah. और इसीलिए पहले तो यहूदा का देश करके घोषणा होने वाला था. In the last minute they called it Israel. लेकिन आखिरी उस मिनट में उनको इज़राइल करके बुलाया गया. It is about nearly 3000 years. और करीबन 3000 साल का समय का अंतराल है. The hatred of 3000 years. इस प्रकार का नफरत जो 3000 साल से है. The enmity for 3000 years. 3000 सालों से जो ये नफरत है, बैरीपन है. As it was prophesied. जैसे ही भविष्यवाणी हुई थी. Suddenly it is removed. अचानक से ये नफरत हटाया जाता. I love to draw your attention to that prophecy again. और फिर से उस भविष्यवाणी के ओर आपका ध्यान आकर्षण. Then shall the children of Judah. तब यहूदी और इज़राइली. And the children of Israel. और इज़राइली. Be gathered together. दोनों इकट्ठे हो. That happened since 1948 May 14. और ये 14 मई 1948 prophecy is becoming history. और ये भविष्यवाणी इतिहास बन गई थी. And they appoint themselves one head. अपना एक प्रधान ठहरा कर. And they shall come out of the land. देश से चले आएंगे. They shall come from different lands. अलग अलग देशों में से वे आएंगे. And for great shall be the day of Jezreel. क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा. If you go to Ezekiel chapter 37, अगर आप यहेजकेल उसका 37वां अध्याय में चले आएंगे. From verse 16 to 22. अगर आप 16वां पद से लेकर 22वां पद तक वहां देखेंगे. We read a very great prophecy concerning this wonderful day. और इस दिन के बारे में एक अद्भुत भविष्यवाणी को वहां पे हम पढ़ पाते हैं. Prophecy is becoming history. भविष्यवाणी इतिहास बन रही है. What was the prophecy hits on the newsstand? और वहां भविष्यवाणी क्या था जो उस समय का खबर के रूप में आया. We just read verse 22. हम सिर्फ वहां यहजकेल उसका 37 का 22 को अभी पढ़ेंगे. For your study you can read from verse 16. आपके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए आप 16वां पद से लेकर 22वां पद तक देख सकते हैं. We just go straight to verse 22. हम लोग सीधे अभी के लिए 22वां पद में चले आएंगे. I will make them one nation in this land. मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक ही जाति करूंगा. I'll make them one nation in this land. मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा. Upon the mountains of Israel. वो भी इज़राइल के पहाड़ों पर. The northern kingdom, one kingdom, southern kingdom will become one nation. और ये दक्षिण साम्राज्य और उत्तरी साम्राज्य दोनों एक ही जाति बन जाएंगे. That will be in the land of Israel. वो भी इज़राइल का देश बन जाएगी. And one king shall be king to them all.
और उन सबों का एक ही राजा होगा. There is no separate king for the northern kingdom. There is no separate king for the southern kingdom. They shall have one king. और इसीलिए उस उत्तरी साम्राज्य के लिए अलग राजा या दक्षिणी साम्राज्य के लिए अलग राजा वैसा नहीं, एक ही राजा दोनों के लिए होगा. And they shall be no more two nations. और वे फिर दो न रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे. Neither shall they be divided into two kingdoms anymore at all. और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे. This prophecy became history on 14 May 1948. और ये जो भविष्यवाणी है वो इतिहास बन गई थी मई 14, 1948 में. हम लोगों ने होशे ने क्या बताया, we saw what Ezekiel prophesied. हम लोगों ने यहजकेल जो बताया उसको भी देखा. Moses and others have prophesied about this great event. मूसा और अन्य लोग इस महान घटना के बारे में भविष्यवाणी किए हैं. I can just show you the prediction of another great prophet Isaiah. और एक महान जो भविष्यवक्ता है उनका भी भविष्यवाणी को हम देख पाएंगे. That we read in Isaiah chapter 11 from verse 10. मैं आपके लिए यशाया नबी के पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 10वां पद से लेकर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. The very reading of this passage will throw us more light about how prophecies are becoming history. और इन वचनों को पढ़ने से ही कैसे भविष्यवाणी इतिहास बन रही है इसका रोशनी हमें मिल सकती है. Verse 10. 10वां पद. And in that day there shall be a root of Jesse which shall stand for an ensign of the people. उस समय ईशाय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी. To it shall the Gentiles seek and the rest shall be glorious. सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा. This is a prophecy about the church in the Old Testament, very brief. ये कलीसिया के बारे में पुराने नियम में एक भविष्यवाणी है बहुत ही संक्षेप रूप में. The root of Jesse, उस समय ईशाय की जड़, root of Jesse, ईशाय की जड़, that speaks about Jesus Christ, यानी कि यीशु मसीह के बारे में कहा गया, and he shall be an ensign of the people, और ये लोगों के लिए एक झंडा होंगे, for Israel, वो भी इज़राइल के लिए, and shall be the Gentile seeking, और वे उसको ढूंढेंगे, so he is a sign for Israel, and to it shall the Gentiles seek. ना केवल वो इज़राइल के लिए एक चिन्ह है, एक झंडा है, लेकिन अन्य जाति राज्यों के लोग उनको ढूंढेंगे. And the rest he gives, और बाकी को के लिए, the deliverance he gives, और जो छुटकारा वो देते, salvation Jesus gives, यीशु मसीह जो उद्धार देते, that rest shall be glorious, और वो विश्राम बहुत तेजोमय होगा. So after the church is born, और कलीसिया का जन्म होने के बाद, यशाया 11 का 11, and it shall come to pass in that day, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर, in the days of the church, और कलीसिया के दिनों में, it shall come to pass, ये पूरा होगा, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people which shall be left from Assyria, from Egypt, from Persia, from Cush, from Elam, and from Sinaha, and from Hama, and from the islands of the sea. 11वां पद को मैं आपके पढ़ दे रहा हूं. उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से, और समुद्र के द्वीपों में से मोल लेकर छुड़ाएगा. इन द फर्स्ट टाइम,
पहली बार he brought them back from Babylon. बाबुल के देश में से उनको वापस ले गया. Here he talks about the second time. लेकिन ये दूसरी बार के बारे में कहा गया. Earlier, इससे पहले he brought them from Babylon. उनको बाबुल में से बाहर ले आया. Now it is from all over the world. लेकिन अभी विश्व भर में कई स्थानों से जगहों से Moses is from all directions. और इसीलिए अलग अलग और सारे दिशाओं से From all four directions he would bring the people back. चारों दिशाओं में से वो लोगों को वापस ले आएंगे. Verse 12 बारवां पद And he will set up an ensign for the nations and shall assemble the outcasts of Israel and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. वो जाति जाति के लिए बारवां पद को मैं पढ़ दे रहा हूं. वो जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा. It was not only from Israel, not only from Babylon, ना केवल ये बाबुल से, not only from Assyria, ना केवल ये अशूर से, he will gather from four corners of earth. और इस संसार के चारों दिशाओं में से उनको इकट्ठा करेगा. He will gather the outcasts of Israel. और इज़राइल के बिखरे हुए एंड द डिस्पर्स्ड ऑफ जूडा और यहूदा के वो जो निकाले हुए एंड वर्स 13 और 13वां पद द एनवी आल्सो ऑफ एफ्राइम शैल डिपार्ट एंड द एडवर्टेंस ऑफ जूडा शैल बी कट ऑफ. एफ्राइम फिर डा न करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे. Ephraim shall not envy Judah and Judah shall not vex Ephraim. ना तो Ephraim यहूदा से डा करेगा और ना यहूदा Ephraim को तंग करेगा. In the year 937 BC और 1937 BC में there was a division. एक विभाजन था. Israel and Judah were divided. इज़राइल और यहूदा दोनों के बीच में वहां बंटवारा. Nearly 3000 years are passing by. और अभी देखते हैं कि 3000 साल वहां गुजर रहे. In 1948. लेकिन वहां 1948 में. This prophecy is fulfilled. ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है. This prophecy is fulfilled to the letter. ये भविष्यवाणी वहां पे पूरी हो रही है. Israel became one nation. इज़राइल एक ही देश बन गई. And it's very interesting to note in verse 14. और यहां पे बहुत दिलचस्पी बात है जब हम लोग 14वां पद में पढ़ेंगे. They shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west. मैं आपके लिए यशाया 11 का 14 पढ़ रहा हूं. परंतु वे पश्चिम की ओर फिलिस्तीनियों के कंधे पर झपटा मारेंगे. Philistines are called the Palestinians. और ये फिलिस्तीनियों कौन हैं? ये फिलिस्तीन देश के हैं. They will fly upon the shoulders of the Philistines. और ये उन फिलिस्तीनियों के कंधे पर झपटा मारेंगे. In other words, दूसरे शब्दों में दिस इज़राइल बॉर्न एज वन नेशन और ये इज़राइल एक ही देश था. दे विल टेक द फिलिस्टीन क्राइसिस और दे विल सिट अपॉन द फिलिस्टीन क्राइसिस एंड दे एक्सपेंड. और फिलिस्तीनियों के कंधों पर बैठ करके ये लोग झपटा मारेंगे. दे शैल स्पॉइल देम ऑफ द ईस्ट टुगेदर और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे. दे शैल ले देयर हैंड अपॉन एडोम एंड मोआब एंड द चिल्ड्रन ऑफ अम्मोन शैल ओबे देम. वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे. माय डियर ब्रदर माय डियर सिस्टर मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन इट्स ऑसम ये बहुत ही इट इज
It is fantastic. ये बहुत ही अतुल्य है. It is fascinating. और ये बहुत ही रुचिगरात्मक है. In front of our eyes, हमारे आँखों के सामने, prophecies of Esther years have become history. और उन पिछले सालों का जो भविष्यवाणी है, हमारे लिए पूरा हो रही है. Israel was born. इज़राइल जन्म लेती है. But something terrible took place. लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ. The very next day, अगला ही दिन, 15 May 1948, यानी कि 15 मई 1948 में, six countries around Israel came to war against this yesterday born nation. और ये जो कल जन्म हुआ उस देश के विरोध में युद्ध के लिए लोग घेर लेते हैं. Iran was using American warheads. और ईरान वहाँ पे अमेरिका के उस सेना से मदद ले रही थी. Iraq was using Russian warheads. और वहाँ इराक रूस से मदद ले रही थी. Israel was one day old baby. और इज़राइल एक दिन का बच्चा था वो. God fought their battle. परमेश्वर ने उनका युद्ध लड़ा. Stunned the whole world. और पूरे संसार इस बात को देख पाई. Tel Aviv became the capital of Israel. Tel Aviv उस इज़राइल का राजधानी बन गई. Israel was growing in strides as it had been prophesied. और जैसा ही भविष्यवाणी किया गया वैसे ही इज़राइल बढ़ रही थी. In the year 1967, the month of June, there was a war against this Israel. फिर से एक बार 1967 में इज़राइल के विरोध में और एक युद्ध आया. Again God fought their battle. फिर से परमेश्वर ही उनका युद्ध लड़ा. 5 June 1967 और 5 June 1967 में Jerusalem again became its capital. यरूशलेम फिर से उसका राजधानी बन गया. In the days of Solomon, सुलेमान के दिनों में, Jerusalem was the capital of the united Israel. यरूशलेम उस एकत्रित साम्राज्य इज़राइल के लिए राजधानी था. Jerusalem was the capital of the united Israel. और इस एकत्रित साम्राज्य इज़राइल के लिए यरूशलेम ही राजधानी था. And for some time Jerusalem was the capital of the southern kingdom. और कुछ समय तक उस दक्षिण का जो साम्राज्य है उसके लिए वो राजधानी रहा. And once the temple was destroyed by Nebuchadnezzar. लेकिन जब वो नबुकदनेज़र के द्वारा वो मंदिर नाश किया गया. Again this temple was built in the days of Cyrus. फिर से कुसरू के दिनों में ये मंदिर बनाया गया. Under the leadership of Zerubbabel. वो ज़रुब्बाबेल के उस नेतृत्व में. Jesus prophesied about the destruction of the second temple. प्रभु यीशु मसीह इस दूसरे मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी किए. As it was prophesied, predicted by Jesus Christ. और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को पहले से बता दिए. In 40 years time. 40 सालों में. In AD 70. और AD 70 में. The temple was destroyed. और वो मंदिर नाश किया गया. In 1967. और 1900 वहां पे 67 में. After 3000 years nearly. 3000 साल करीबन उसके बाद. Jerusalem once again became the capital of the united kingdom. फिर से यरूशलेम उस एकत्रित साम्राज्य के लिए राजधानी बन गया. But the temple is not yet built. लेकिन अभी तक वो मंदिर फिर पुनः नहीं बनाया. The temple is not yet built. इस मंदिर का निर्माण पुनः नहीं हुआ है. Now there's a very big question. और ये बहुत बड़ा सवाल. What is next? अगला क्या होगा? The temple is very very important for an Israelite. एक इज़राइली के लिए ये मंदिर बहुत ही मुख्य है, अनिवार्य है. They can have their sacrifices and atonement for the sin of the individuals, atonement for the sin of the nation only at that temple. इसी मंदिर में वो व्यक्तिगत पाप का बलिदान या एक झुंड के लिए पाप का बलिदान चढ़ा सकते हैं. So without that temple. और इसीलिए इस मंदिर के बगैर. Though Jerusalem has become their capital. जरूर यरूशलेम उनका राजधानी बन गया. Though they have a parliament.
यद्यपि उनके पास एक ऐसा पार्लियामेंट है, though they have their political leaders, उनके पास राजनीतिक नेता है, though Jerusalem has become a praise on the earth, जरूर यरूशलेम को प्रसिद्ध कराया गया पूरे विश्व भर में, for an Israelite, एक इजरायली के लिए, their life is not complete without the temple of God. उनका जीवन मंदिर के बगैर पूरा नहीं होता है. Without sacrifices, an individual cannot have his sins forgiven. बिना उस बलिदान का एक व्यक्ति अपने पाप के क्षमा को प्राप्त नहीं कर सकता. They don't believe in Jesus. वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते. They don't receive Jesus as their propitiation for sins. वे प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रायश्चित करके मानते नहीं हैं. For the sins of an individual to be forgiven, एक व्यक्ति के व्यक्तिगत पाप क्षमा होने के लिए, for the sins of the nation to be forgiven, पूरे देश का पाप क्षमा होने के लिए, they need a temple. उनके लिए एक मंदिर की जरूरत है. They can't have their atonement for sin without the temple. उस मंदिर के बिना वो लोग अपने पाप की क्षमा को नहीं देख पाते. They may be a praise on the earth. और उनके लिए संसार में एक जगह चाहिए. And three major races. और तीन ऐसा मुख्य कारण. They call Jerusalem our holy land. वे यरूशलेम को अपना ही पवित्र देश मानते हैं. Muslims are calling Jerusalem their holy land. मुसलमान लोग यरूशलेम को अपना पवित्र देश मानते हैं. Their third important mosque is in Jerusalem. और उनका तीसरा मुख्य मस्जिद जो है वो यरूशलेम में है. And Christians say Jerusalem is a holy land. और मसीही लोग भी कहते हैं यरूशलेम हमारा पवित्र स्थान है. It is the place where Jesus died, buried and rose again and ascended into heaven. क्योंकि वही जगह में प्रभु यीशु मसीह का मरण, उसका जी उठना, उसका स्वर्गरोहण हुआ. This is the place where the church was born. और इसीलिए इसी जगह में कलीसिया जन्म लिया. Jerusalem is an important place for a Christian. यरूशलेम एक मसीह के लिए बहुत ही खास जगह है. But Jerusalem is the holy land, the capital for Jews. और यहूदियों के लिए यरूशलेम एक राजधानी है. They want to have their temple in Jerusalem. वे चाहते हैं कि उनका मंदिर यरूशलेम. They want to have their temple in Jerusalem. वे चाहते हैं कि उनका मंदिर यरूशलेम में हो. My dear brother, my dear sister. मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन. Their history started with Abraham. और ये तो उनका इतिहास अब्राहम से शुरू हुआ. Abraham, Isaac and Jacob are their forefathers. अब्राहम, इसहाक और याकूब और उनका पुरखाएं. In the days of Joseph, they went to Egypt. यूसुफ के दिनों में मिस्र देश में गए. In the days of Joshua, Moses, they had their deliverance from their bondage. मूसा के दिनों में उनके बंधुआई से उनको छुटकारा मिला. In the days of Joshua, they possessed their promised land. यहोशू के दिनों में वे अपने उस प्रतिज्ञा किया हुआ देश में प्रवेश किए. Solomon was their most popular king. सुलेमान उनका प्रसिद्ध राजा था. After Solomon, the kingdom was divided into two. सुलेमान के बाद वो राज्य दो टुकड़ों में बांटा गया. In the year 1937 BC में the kingdom was divided. वो साम्राज्य वहाँ बांटा गया. After the days of Jesus, और यीशु मसीह के दिनों में Jerusalem was totally destroyed. यीशु मसीह के बाद यरूशलेम को नाश किया गया. And it was erased from the map of the world. विश्व का जो नक्शा है उसमें से इज़राइल हटाया गया. After 2000 years, लेकिन 2000 साल बाद, to the fulfillment of prophecy, भविष्यवाणी को पूरा करने निमित्त, to the details of the predictions, उस भविष्यवाणी को एक एक छोटी छोटी बात, Israel is born again. यहाँ देखते हैं इज़राइल का जन्म फिर In से होता one है. day that nation was born again. एक ही दिन में इज़राइल का जन्म Jerusalem होता है. has become Jerusalem is their capital again. फिर से यरूशलेम उनका राजधानी हो गया. But Israel is not complete without the temple of God. लेकिन इज़राइल पूर्ण नहीं होता जब तक उनके पास मंदिर नहीं होता. Will the third temple be built again? क्या ये तीसरा मंदिर बनाया जाएगा? Where will be built again? क्या ये मंदिर बनाया जाएगा? When will it be built again? कब वो बनाया जाएगा? Where does Israel stand in the annals of history? कहाँ पे ये बनाया जाएगा इतिहास में? What is next for Israel? इज़राइल के लिए अगला क्या होगा? What is next for Israel? इज़राइल के लिए अगला क्या होगा?
You'll see that in the next segment. इसको हम अगला भाग में देख सकते हैं. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए.